हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। इस वीडियो में हम लॉ ऑफ सप्लाई के एक्सेप्शन की बात करेंगे। हमने पढ़ा था लॉ ऑफ सप्लाई पॉजिटिव रिलेशनशिप है, जैसे जैसे प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं वैसे ही प्रोड्यूसर क्या करता है, क्वांटिटी सप्लाइड को इंक्रीज करता है। तो एक्सेप्शन है जब ये लॉ एप्लीकेबल ना हो, मीन्स जब पॉजिटिव रिलेशनशिप इन दोनों के बीच में ना हो, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई के बीच में जब पॉजिटिव रिलेशनशिप ना हो उसको हम बोलते हैं एक्सेप्शंस ऑफ लॉ ऑफ सप्लाई। तो इसके मेनली चार पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। देखिए, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है ये सारा का सारा किस पे डिपेंड करता है? आपकी क्लाइमेटिक कंडीशंस या नेचुरल फैक्टर्स पे। मींस कि इसका जो प्रोडक्शन है ये एक टाइम पीरियड में होता है, मींस हर 6 महीने बाद या 3 महीने बाद या महीने बाद इसका टाइम पीरियड है। आप एक ही टाइम पे इसको इंक्रीज नहीं कर सकते। तो इसलिए अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो आप सडनली उसकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये इसका फर्स्ट एक्सेप्शन है कि अगर आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज होते हैं तो आप सप्लाई को एट ए टाइम इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए टाइम लगता है। अगर आप एग्जाम्पल के रूप में देखो तो वीट को ले लीजिए, राइस को ले लीजिए, तो इनको प्रोड्यूस करने के लिए टाइम लगता है, इनके प्रोडक्शन का टाइम पीरियड है। तो इसलिए सबसे पहला एक्सेप्शन क्या है आपका? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। सेकेंड है आपका पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच वी कांट स्टोर फॉर ए लॉन्ग, कि मतलब हम इनको ज्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते। तो अगर इनके प्राइजेस डिक्रीज भी हो जाते हैं हम इनकी सप्लाई को कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम इनकी सप्लाई को कम कर दें तो ये वैसे भी क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे। तो इसलिए प्राइजेस कम होने पे भी हम इनकी सप्लाई को कम नहीं कर सकते। थर्ड आ जाता है आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस कि अगर प्रोड्यूसर को लगता है कि फ्यूचर में किसी प्रोडक्ट की प्राइजेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेट सपोज करो कि आज वो कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा है प्रोड्यूसर, तो उसको उस प्रोडक्ट की कॉस्ट पड़ रही है 10 रुपीज। वो इसको सेल कर रहा है MRP मार्केट में कितने में? 20 रुपीज में। तो यहां उसको फायदा हो रहा है, बट उसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस क्या है कि ये प्रोडक्ट फ्यूचर में इसके प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे और ये 25 रुपीज का हो जाएगा। देखो, इसको अभी भी फायदा हो रहा है 10 रुपए का अगर अभी भी सेल करे, क्योंकि अभी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस क्या है? ज्यादा है। तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन इसको इससे भी ज्यादा है कि इससे भी ज्यादा हो जाएंगे। तो ये क्या करेगा प्रोड्यूसर कि अभी इस टाइम पे सप्लाई को कम कर देगा। इवन प्राइजेस ज्यादा है, प्रॉफिट हो रहा है, बट प्राइजेस के ज्यादा होने पे भी ये क्या कर रहा है? अपनी सप्लाई को कम कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको फ्यूचर से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, फ्यूचर में ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, तो वो क्या करता है अभी सप्लाई को कम कर देता है, और ताकि फ्यूचर में जब प्राइजेस इंक्रीज हो तो वो अपनी सप्लाई को ज्यादा कर सके। इसका लास्ट पॉइंट है रेयर आर्टिकल्स। रेयर आर्टिकल्स मींस कि जो दुर्लभ चीजें होती हैं, बड़ी रेयर चीजें, मींस रेयर पेंटिंग्स हो गई, लाइक मोनालिसा वगैरह की पेंटिंग्स हो गई, जो कि बड़ी रेयरली मिलती हैं। तो उनके केस में क्या होता है कि अगर उन प्रोडक्ट के प्राइसेस इंक्रीज भी हो जाएं, आप उनकी सप्लाई को इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि वो रेयरली मिलती हैं मार्केट में। वो ऐसे नहीं है कि आप जितनी चाहो उतनी खरीद सको। तो इसलिए रेयर आर्टिकल्स के केस में क्या है, इनकी प्राइस चाहे जितनी मर्जी इंक्रीज हो जाए बट इनकी सप्लाई आप इंक्रीज नहीं कर सकते। तो ये थे इसके कुछ एक्सेप्शंस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।